ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नंबर 19.5 का ही एक सब टॉपिक है हमारे पास, डैट इज़ द फोटोसेल. सो स्टूडेंट्स, फोटोसेल क्या होता है? फोटोसेल एक जो है वो हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लें, तो जो फोटोसेल होता है ना, वो हमारे पास एक फोटो एमिसिव डिवाइस है. ठीक है, फोटो एमिसिव डिवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसी डिवाइस है हमारे पास. ठीक है, फोटो एमिसिव डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाएंगे. ठीक है, लाइट विल फॉल अपॉन इट. ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम फोटो एमिसिव डिवाइसेस कहते हैं. और जब इन पे लाइट फॉल करवाई जाती है, तो एज अ रिजल्ट जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक हो गया. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो पीएन जंक्शन स्पेशल डिज़ाइंस देखे थे, उनमें भी आपने एक फोटो एमिसिव डिवाइस पढ़ी थी, डेट वॉज द फोटो डायोड. तो वहाँ पे जो आपने फोटो डायोड स्टडी किया था, वो भी एक फोटो एमिसिव डिवाइस थी जिसमें आपने लाइट फॉल कराई थी और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली थी. इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स या लाइट एमिटिंग डिवाइसेस. उनका काम क्या होता है कि उनमें करंट आप देते हो, तो एज अ रिजल्ट आपको लाइट जो है वो बाहर एमिट आउट होती हुई मिलती है. सो ये जो फोटो एमिसिव डिवाइसेस होती हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? स्टूडेंट्स, इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक हो गया. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ये काम करती हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने एक फोटो सेल जो है वो क्या कर लिया है? कंसिडर किया है. इस फोटो सेल की ये जो बाहर आउटर बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है. इसको अगर मैं मिनरलाइज करके यहाँ ड्रॉ कर लूँ, सो इट कैन बी कंसिडर लाइक दिस. इसके अंदर जो आपको कनकेव शेप गिवन है, डैट इज़ योर कैथोड, और एक जो रॉड लाइक शेप होती है वो होता है आपका एनोड. ये जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन आ जाती है. ठीक हो गया. तो ये हमने डिस्कस कर ली कि हमारे फोटो सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है. अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी देख ली, अब हम देखते हैं कि हमारे फोटो सेल की जो वर्किंग है वो क्या है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, तो ऑब्वियसली इसकी वर्किंग सेम वैसे ही होगी जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आप लाइट फॉल करवाते हो, तो वहाँ पे जो आपने वर्किंग देखी थी, तो कंसिडर कर लो कि आपने यहाँ से लाइट फॉल करवाई है. ठीक है, इस तरह से लाइट फॉल करवानी है आपने किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर. जैसे ही आप कैथोड पे लाइट फॉल करवाते हो, तो होता क्या है कि आपके इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होना शुरू हो जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर सर्किट में लगी हुई जो कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई होती है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और इनके मूव करने से प्रोड्यूस क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स, ये जो एनोड रखा है ना, इसको हमने ऐसे फिक्स करना है कि ये आपके कैथोड और आपकी लाइट रेज के दरमियान हिंड्रेंस क्रिएट ना करता हो. ठीक है, यानी इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो पीछे से आने वाली लाइट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करवा ले और कुछ और डिफरेंट फिनोमेनास करवाना शुरू कर दे. सो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा आपकी लाइट की इंटेंसिटी होगी, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो क्या होता जाएगा? अचीव होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे जो बहुत इसेंशियल है वो ये है कि लाइट तो हम फॉल करवाते जाएँ, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाते जाएँ, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो लाइट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो वो अपनी थ्रेशहोल्ड वैल्यू को रीच की गई हो. मतलब अगर वो वैल्यू जो है वो आपकी लाइट की फ्रिक्वेंसी की थ्रेशहोल्ड जैसी नहीं है, तो आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो, देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन योर सर्किट. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एक छोटा सा ऑपरेशन था फोटो सेल का. बात करें इसके कुछ यूजेस की और एडवांटेजेस की, तो स्टूडेंट्स वो हमें जो है वो आपकी बुक पेज नंबर 88 के ऊपर जो फोटो सेल का टॉपिक है उसमें गिवन है. सो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है, यूज़ है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं.
सो स्टूडेंट, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है. अब स्टूडेंट्स, अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो इस तरह के बनाए गए होते हैं कि वो जो हैं वो चोर को या जो आपके गैंग किलर्स होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. तो फोटोसेल को हम इस्तेमाल करते हैं इन वेरियस सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर. ठीक है, सेम ऐसे ही जो आपकी फोटोसेल्स हैं उनको काउंटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाते हैं. काउंटिंग सिस्टम बहुत से होते हैं, लाइक जैसे आपका कैलकुलेटर है वो एक काउंटिंग सिस्टम है. सेम वैसे ही बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे भी काउंटर्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और उन काउंटर्स की जो एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, उनके लिए हमें फोटोसेल्स की ज़रूरत पड़ती है. फिर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, बहुत से जो आपके पास आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह के अंदर जब आप एंटर होने लगते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एक पर्सन की प्रेजेंस को, और उन्हें जैसे ही पता होता है कि जैसे ही आप अंदर एंटर होने लगते हो तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हो तो डोर क्लोज हो जाते हैं. तो इस टाइप के सिस्टम्स में भी हम फोटोसेल्स को इस्तेमाल करते हैं. फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी के लिए, कि जब डिफरेंट जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो उनको क्या क्या पैरामीटर्स मेजर करने हैं, किस टाइप की उनको पिक्चर बनानी है, तो उस चीज़ की प्रॉपर मेजरमेंट के लिए कुछ मीटर्स बनाए जाते हैं. उन मीटर्स के अंदर भी फोटोसेल्स का इस्तेमाल होता है. और लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स साउंड ट्रैक सिस्टम ऑफ द मूवीज़. मूवीज़ के जो साउंड ट्रैक्स बनते हैं, जो साउंड ट्रैक समझ लें कि जो म्यूज़िक प्लेलिस्ट तैयार हो रही होती है, उसको भी प्रॉपर वे में ऑपरेट करवाने के लिए हमें एक फोटोसेल्स की वर्किंग की ज़रूरत होती है. और आपकी बुक के पेज नंबर 88 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक फिगर बनी हुई है जो कि आपके जो है वो साउंड ट्रैक सिस्टम ऑफ योर मूवीज़ को जो है वो शो करवा रही है. सो ये है हमारा टॉपिक नंबर 19.5 का सब टॉपिक, डेट इज़ द फोटोसेल.